So friends, very good evening. How are you all? So, jaisa ki andesha tha, the ESIC has given the new sample for the SSO Computer Proficiency Test, which will be held on 13th of this month. So, aayye fatafat dekhte hain is video mein Excel jo sample paper mein diya hai, unhone uske video ke baare mein. So, friends, welcome to your own channel, the Humble Guy. Let's begin. Seedhe mudde pe aate hain. So, first inhone kya bola hai? First mein hum yahan par maan lijiye. यहाँ पर हम कहीं भी कर सकते हैं एक मोबाइल, ठीक है, मोबाइल विल राइट इट मोबाइल बिल, देन इट इज पी, देन इट इज क्यू, देन इट इज टोटल विद इन ब्रैकेट्स पी प्लस क्यू, देन इट इज. तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल इन, ये मोबाइल बिल छोटा पड़ रहा है तो इसको इंक्रीज कर दिया हमने. ये ठीक है, ये ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल, तो इसको भी इंक्रीज कर दिया हमने. इसके बाद है द एवरेज, ये भी एवरेज, दैट इज ए वी आर ए जी विद इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, हो गया. अब ये भी इट्स नॉट फिटिंग टू दिस, तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. यहाँ पे एवरेज पी प्लस क्यू आ गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे. देन वी विल गो टू दिस एवरेज पी प्लस, देन डिफरेंस डिफरेंस ब्रैकेट इज पी माइनस क्यू, ये भी It's, we have to increase this also. तो ऐसे करके फोर एरो आ गया, इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है. Now what they are saying, इसको फटाफट वो कर लेते हैं. They are saying कि the heading should be bold and 12 point. तो ये इसको 12 point करते हैं. Calibri already है ही, and heading should be bold and it should be center aligned. तो यहाँ पे center aligned हमने इसको कर लिया, लेकिन center aligned करने से ये, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ कर लेंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम मोबाइल बिल लिखेंगे फटाफट. हम क्या करेंगे, यहाँ पे सन लिखेंगे, यहाँ पे वी विल राइट डॉटर, देन हियर वी विल राइट मदर, एंड इन द फोर्थ बॉक्स वी विल राइट फादर, ठीक है. अब मदर इसका क्या, 1569.2 1569.12 डॉटर का 1255.55 देन डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे 1369.14 1369.14 और फिर डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे 1178.98, ठीक है. तो लाइकवाइज क्यू भी हम फिल कर लेंगे 1933.45 डाउन एरो से नीचे 1497.1497.77 फिर नीचे आएंगे 1573.16 एंड डाउन एरो से नीचे आएंगे 1296.96 ये हो गया टोटल. में आपको पहले भी बताया था, अगर आपको यहाँ से सीधा आप यहाँ जाइए ऑटो सम में, और ऑटो सम में यहाँ ऐसे हो गया, इसको एंटर कर दीजिए, यहाँ पे टोटल आ गया. फटाफट इसको ऐसे करिए, ये प्लस का साइन, सॉरी, इसको ऐसे आप सेलेक्ट कीजिए इस बॉक्स में, ये प्लस का साइन आगे ड्रैग कर लीजिए, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है. एवरेज में क्या करना है आपको, यहाँ से फिर वो एवरेज में आपने, या मान लीजिए वो पुराना जो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, वो आप ऐसे कर लीजिए इक्वल टू, फिर एवरेज लिख लीजिए, और यहाँ पर ये दोनों बॉक्स जो हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया. एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा जाके एवरेज 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 आ गया. तो एवरेज में आपको ये तीसरा बॉक्स तो नहीं लेना है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का एवरेज जो है वो ले लेना है, ठीक है. आपको ये और मतलब ये एंड ये, इन दोनों का एवरेज लेना है. तो ये एवरेज आ गया, ठीक है. और इसको भी फिर आपको ऐसे सेलेक्ट करके प्लस, और यहाँ पर ये चारों का आ गया, ठीक है. और डिफरेंस में व्हाट वी डू, जनरली आपने किया इक्वल टू, एंड इसमें डिफरेंस इज पी माइनस क्यू, है ना, पी माइनस क्यू, ओके. तो डिफरेंस इज पी माइनस क्यू, डिफरेंस क्यू माइनस पी, सॉरी, दिस इज क्यू माइनस पी. यहाँ पे जो डिफरेंस है, तो पहले तो इस फॉर्मूला को आप हटा दीजिए, ठीक है, ये हाईलाइट होते रहेगा. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये मैंने गलत लिख लिया था, डेट इज डिफरेंस इज ब्रैकेट क्यू माइनस पी कर दिया हमने, ठीक है. तो अब इसको आप यहाँ पे ऐसे लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू, देन सिलेक्ट क्यू माइनस पी, क्यू एंड माइनस पी एंड एंड, डिफरेंस के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है. तो इसको आप फिर वही कर लीजिए, यहाँ प्लस का साइन आया, इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे, ठीक है. तो ये आपका ये भी हो गया.
तो अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें तो हो गई, फटाफट पढ़ लीजिए इन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीजें, ये जो है पूरा ये आप सिलेक्ट करिए एंड दे हैव सेट कि इसको बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर में अगर आप ये जाइए, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स कर लीजिए, ऑल बॉर्डर्स सारे ग्रिड दिखने लगे, ठीक है। बोल्ड ग्रिड अलाइनमेंट हो गया, बोल्ड हो गया, ग्रिड लाइन हो गया, बॉर्डर एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन, ये हो गया। कैलिब्री 12 पॉइंट कॉलम हेडिंग्स फॉर बोथ कॉलम हेडिंग्स एज वेल एज टेक्स्ट टेबल, कैलिब्री 12, ओके ये भी ठीक है। अब क्या करना है इनको, इसको पूरे को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू, सॉरी, इसको पूरे को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये एड टू कन्वर्ट इन इनटू इंसर्ट, आपको कौन सा चार्ट करना है इसमें, ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कैलकुल बिलो द एडवांस लेवल, इंसर्ट अ कॉलम चार्ट, टू डी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, कॉलम, ठीक है, कॉलम में 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये आ गया 2D क्लस्टर्ड कॉलम, जैसे ही आपने क्लिक किया 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में ये आ गया और ये बन गया आपका सेम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें अब आपको देखो यही प्रॉब्लम होगी, इसमें आपको सिर्फ दो चीजें आपने सबकी कर दी ना, तो इसको आप कंट्रोल जेड कर दीजिए। अब आपको इसमें कितने क्या सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कॉमन गलती हो रही थी लोगों से, ये आपने किया, अब आप कीजिए इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कॉलम और यहाँ पे 2D क्लस्टर चार्ट, अब देखिए सेम जो चाहिए था वही आ गया, ठीक है। अब इन्होंने फर्दर क्या बोला है कि सेट द व्यू ऑफ द एमएस एक्सेल शीट एट पेज ब्रेक व्यू, अब व्यू पे जाइए, व्यू पे गए, इसको पेज ब्रेक पे कीजिए, आ गया, ठीक है, कर दिया, इसको बंद करिए, इसको इसके बाद इसको एग्जैक्टली इसके नीचे लाना था, अभी तो प्रिंट आएगा ना, इसको एग्जैक्टली यहां से ड्रैग करके हम नीचे ले आइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर इन्होंने पेज लेआउट को जो किया है डैट इन्होंने बोला है कि आप पेज लेआउट हो गया, पेज ब्रेक व्यू हो गया, सॉरी उस व्यू पे नहीं, पेज ब्रेक व्यू हो गया, इसको कर दीजिए आप बंद, और इसके बाद पेज लेआउट यहां से जो बोला है इन्होंने, आप ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप, पहले से है आप लैंडस्केप ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया ओरिएंटेशन लैंडस्केप, मार्जिन नैरो, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे है, दिस यू सेलेक्ट नैरो, नहीं सॉरी, मार्जिन इज नैरो 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 नैरो, ठीक है, मार्जिन नैरो पे आ गया, ओरिएंटेशन लैंडस्केप मार्जिन नैरो एक्सेट्रा, साइज A4, ठीक है, साइज तो देख लीजिए एक बार वो है कि नहीं, हाँ A4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं, प्रीव्यू देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो ये देखिए प्रीव्यू में सिर्फ यही आ रहा है, इसको बंद करिए, ठीक है, क्यों आ रहा है पता है, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड दिस, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम सेलेक्ट ना करें तो देखते हैं प्रिंट व्यू में क्या आता है, ये देखिए दोनों आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगता है कि ये हमारा जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया, हाँ, तो यहाँ पर लैंडस्केप कर दीजिए बस, ठीक है, फिर आ गया और यहाँ से प्रिंट दे दीजिए आप, ठीक है, सेम आ गया जैसा वो पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा इससे, बाकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, ऐसे एक प्रिंट कर दीजिए, उसमें आप इसको अपना रोल नंबर डाल के सेव कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, ठीक है, टाइमली बन गया, कोई घबराने वाली बात नहीं, कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।